नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शर्मा और न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिलीगुड़ी, जिसे धर्म की नगरी भी कहा जाता है। जी हां, हम आज ऐसे ही किसी विषय पर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जिन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से राम कथा और भगवत गीता का पाठ जो है करना शुरू कर दिया था। भगवान कहते हैं ना कि भक्ति जो है वो किसी विशेष उम्र में या किसी विशेष समय पर नहीं आती। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, पूत के पांव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। इन्होंने छोटे से ही भगवान की भक्ति में इनका मन जो है कि रमना शुरू हो गया था और इनकी भक्ति की जो शक्ति इतनी दूर दूर तक फैली हुई है कि आज ये बनारस, यूपी के बनारस से आज यहाँ सिलीगुड़ी में पधारी हैं, कथा वाचक के रूप में यहाँ ये कथा कहने आई हैं। तो ऐसी ही शख्सियत हैं ऋचा मिश्रा जी। जी हाँ, आज हम उनसे एक विशेष बातचीत करेंगे, उन्होंने काफ़ी कीमती समय हमें दिया है। तो आइए, हमारे साथ बने रहिए और हम आपको मिलवाते हैं उनसे और उनसे एक विशेष बातचीत करते हैं। अब के अपने शहर इस्लामपुर में मिल रहा है एलईडी लाइट मेटल बोर्ड। किसी भी तरह के दुकान या कोई प्रतिष्ठान के लिए मेटल ओ एलईडी लाइट बोर्ड बनाना चाहते हैं या फिर एसी पे डेकोरेशन का काम करवाना चाहते हैं, तो चले आइए फाइन मेटल वर्क्स, आश्रम पड़ा मोड़, नियर पेट्रोल पंप, इस्लामपुर। नमस्कार ऋचा जी, आपको धर्म नगरी में सिलीगुड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राधे, न्यूज़ टुडे इन सभी टीम को आपके राधे राधे। मेरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इसमें। और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ करके? मैं तो यहाँ पहली बार आई जी, पर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं, बहुत अच्छे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा, और मैं एक बात जानना चाहूँगी, जैसे देश के कोने कोने में आप जाती हैं जी, तो कैसे आपको छोटे से मतलब ये राम कथा और भागवत पढ़ने का या कथावाचक के रूप में, लोग दूसरे इसमें भी जाते हैं, तो क्या आपको मतलब आता है, आनंद आता है या कैसे मतलब, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी जी। ये प्रश्न प्रायः लोग मुझसे करते हैं, तो मैं एक बात हमेशा कहा करती हूँ कि कथा को मैंने नहीं चुना, कथा ने मुझे चुना है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे जानता भी नहीं है उसे किस फील्ड की ओर जाना है, तो मैं मात्र 12 वर्ष की थी तब से मैं राम कथा भागवत कथा करती हूँ। पारिवारिक धार्मिक, पारिवारिक में इतनी धार्मिकता है, उससे भी एक प्रभाव पड़ा, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है ये पूर्व जन्म का संस्कार है जिससे मैं इतनी छोटी उम्र में भगवान से जुड़ पाई। अभी तक आप कहाँ कहाँ जा चुकी हैं कथा वाचने के लिए? मैंने अब आप समझ लें कि 500 स्थानों से ज़्यादा मैं कथा कर चुकी हूँ, 500 कथाओं से ज़्यादा। देश भर में आप भ्रमण कर चुकी हैं? हाँ, मैं पूरे भारत ही नहीं, मैं विदेशों में भी प्रत्येक वर्ष जाती हूँ। विदेशों में? हाँ, जिसमें यूरोप में ज़्यादा जाती हूँ, एम्स्टरडैम, लंदन, ये सब जाती हूँ जी। तो वहाँ कैसा लगता है विदेशों में जाकर, जब अपने देश की संस्कृति और भक्ति लोगों में देखते हैं तो बहुत आनंद आता है और लगता है कि ये पूरा भारत फिर से सनातनी, पूरा विश्व होगा ये, और भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। सिलीगुड़ी में जैसे आकर आपको कुछ ही दिन हुए हैं कथा वास्ते हुए, तो यहाँ जो भक्तों की प्रतिक्रिया है, बार बार आना चाहेंगे यहाँ? ज़रूर, मैं बहुत यहाँ प्रियंका जी और पवन जी के माध्यम से कथा हो रही है, तो जैसा मुझे पहले लगा कि बंगाल है, ये भाषा का समस्या होगा या कुछ भी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत धार्मिक लोग हैं, इनमें अगाध श्रद्धा है, भावना है, तो मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, बड़ा आनंद आ रहा है। सिलीगुड़ी वासियों के लिए कुछ विशेष आपका मतलब, जिसे बोलते हैं ना कि कुछ कहना कि उनको धर्म के प्रति या भक्ति के प्रति कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं सभी यहाँ के निवासियों को सबसे पहले यही निवेदन करती हूँ, आप सभी धर्म से जुड़े, सभी राम से जुड़े, कृष्ण से जुड़े, क्योंकि राम उसे कहते हैं, रा का अर्थ होता है राष्ट्र और म का अर्थ होता है मंगल, जो सारे राष्ट्र का मंगल कर दे। अब के अपने शहर इस्लामपुर में मिल रहा है एलईडी लाइट मेटल बोर्ड। किसी भी तरह के दुकान या कोई प्रतिष्ठान के लिए मेटल ओ एलईडी लाइट बोर्ड बनाना चाहते हैं या फिर एसी पे डेकोरेशन का काम करवाना चाहते हैं, तो चले आइए फाइन मेटल वर्क्स, आश्रम पड़ा मोड़, नियर पेट्रोल पंप, इस्लामपुर। नमस्कार